कुछ भी क्वेश्चन आंसर हैं, कुछ भी जो भी सवाल हैं उनका मैं जवाब देने के लिए आपके सामने हूँ, और आप मेरे साथ हैं, तो हम लोग बैठ के अपने हम सब बैठ के अपना टीज़र देखेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टीज़र है। थोड़ी देर में शुरुआत करेंगे, इससे पहले दो तीन क्वेश्चन हैं उनके मैं जवाब दे देता हूँ। वेलकम सर टू फेसबुक ऑफिस। ये फिल्म की जो पोस्टर है जो कल रिलीज हुई थी जी, वो एकदम हटके है, तो क्या फिल्म भी पोस्टर जैसे ही हटके है? बिल्कुल, बहुत ही हटके, लेकिन इतना भी हटके नहीं है कि हम बिल्कुल ही हट जाएं, ऐसा नहीं है। अब बहुत ही लाइक देसी बॉन्ड की तरह है ये। एक्चुअली आपने विदेशी बॉन्ड बहुत देखे होंगे, लेकिन पहली बार हम लोग इंट्रोड्यूस करने जाने देसी रस्टिक बॉन्ड, यू नो, तो इस लिहाज से हटके है एक्चुअली। तो जैसे हाँ, तो ये जो आपका कैरेक्टर है फिल्म में बाबू मोशाय बंदूकबाज जी, ये क्या कारण था जो आप इसको करने के लिए तैयार हो गए थे? उसमें बहुत ही लाइक बहुत सारे कारण थे इसको करने के लिए। एक तो लाइक मुझे हमेशा ग्रे कैरेक्टर्स बड़े पसंद होते हैं, लाइक जिनमें लाइक कुछ अच्छाइयाँ भी हों बुराइयाँ भी हों, क्योंकि वही एक इंसान होता है, ह्यूमननेस वही होती है। एक आदमी वह तभी बनता है पूरा जब उसके अंदर कुछ कमियाँ भी हों अच्छाइयाँ भी हों। तो मुझे इस तरह के ग्रे शेडेड कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने, और बहुत ही लाइक कुशान के बारे में मैं बहुत जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि उसका जो दिमाग चलता है बहुत क्रुकी टाइप का है, तो और थोड़ा टेढ़ा सोचता है, तो मुझे इस तरह के सोचने वाले लोग ज़्यादा पसंद हैं जो थोड़ा अलग हटके थोड़ा टेढ़ा सोचते हैं। आपने भी बताया कि ये जो फिल्म है जी ये रस्टिक बैकड्रॉप है इस फिल्म में, तो कैन वी एक्सपेक्ट अ गैंग्स ऑफ वसेपुर पार्ट 3? एक्चुअली गैंग्स ऑफ वसेपुर से आई थिंक जो कैरेक्टर, स्पेशली अगर मैं कैरेक्टर की बात करूँ तो कैरेक्टर उससे बहुत हरामी ज़्यादा है एक्चुअली। गैंग्स ऑफ वसेपुर में जो था फैजल खान थोड़ा इमोशनल था, लेकिन ये इतना इमोशनल नहीं है, बहुत बहुत तेज़ है, चालाक है इसमें जो कैरेक्टर है, तो ये थोड़ा सा फैजल खान से थोड़ा सा एक कदम आगे है। तो बाबू इज अ रस्टिक कॉन्ट्रैक्ट किलर, आपने कुछ तैयारियां की ये कैरेक्टर के लिए या ये रोल के लिए? सी कैरेक्टर के लिए ऑफकोर्स थोड़ा बहुत तो जो डायरेक्टर बताते हैं उसी बेस पर तैयारी की जाती है। डायरेक्टर कुशान का था कि इस तरीके से तैयारी करनी है, इसको इस तरीके से बनाने, शार्प और थोड़ा सा शार्प शूटर है, और ह्यूमर है, बहुत सॉलिड ह्यूमर है, और रोमांस जैसे बहुत ही रस्टिक रोमांस है इसमें, लाइक जैसे उसके डायलॉग्स भी कुछ इस तरह के होते हैं, लाइक जैसे लड़की के सामने बात कर रहा है तो माने कि टॉल नहीं है लेकिन डार्क और हैंडसम, तो तभी तो लड़कियां मरती हैं हम पे तुम्हारी तरह, तो इस तरह के डायलॉग तो इस तरह का है वो बंदा। इस फिल्म में एक नई लड़की है आपके ऑपोजिट एंड यू आर सच अ पावरफुल परफॉर्मर, तो क्या वो नर्वस हुई थी आपके साथ ये सीन्स करने में? मेरे साथ जो भी आता है काम करने के लिए वो खुद को पावरफुल समझने लगता है, मैं ऐसा फील करा देता हूँ उसको, मैं तो नहीं हूँ बट उसको फील करा देता हूँ, उससे मुझे काफ़ी फायदा होता है एक्चुअली, मैं कहाँ इस लायक हूँ। ये फिल्म की शूटिंग आपके होम टाउन में हुई थी जी, तो वर यू मोर कम्फर्टेबल बिकॉज आपके होम टाउन? हाँ, चूँकि मैंने बचपन से बहुत सारी लोकेशन इसमें ऐसी हैं जो मेरे गाँव में, मैं वहाँ पर हम लोग घूमते थे, वहीं पे मैं अब शूटिंग भी कर रहा था, तो बहुत अपनेपन सा फील होता, ऐसा लग रहा था जैसे मैं बचपन से कॉन्ट्रैक्ट किलर हूँ ऐसा नहीं है बट थोड़ा अपनेपन फील होता है जब आप अपने घर में अपने लाइक अपने गांव में शूटिंग करते हैं। आपके फैंस बहुत बेचैन हैं ये टीज़र देखने के लिए? मैं भी बहुत बेचैन हूँ, और अभी हम लोग अपना ट्रेलर हम बाद में रिलीज़ करेंगे इसका, और बहुत कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं उसके कुछ लोगों के जवाब देना चाहूँगा। लाइक मैरिलिन, वेरी वर्सटाइल, थैंक यू वेरी मच, और सर आपकी, हाँ ये है रईसुद्दीन अहमद, सर आपके एक्ट पर हम फिदा हैं, कैसे कर लेते हो आप, किसी दिन बताते हैं, कोने में आ जाओ मजाक मजाक की बात है तो खैर। एक है नमन बंसल, यू कैन चेक, एक भी वर्स्ट कमेंट नहीं है नवाज भाई के खिलाफ, थैंक यू सो मच, यही मुझे हमेशा इस तरीके से प्यार आप करते रहे, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब एक भी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आता, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि
मेरे किसी भी तरीके से किसी थॉट से कोई नेगेटिविटी निकले, इसी तरह से आप प्यार करते रहें बस। ये क्या है, गांधी महावीर, वो जो लड़का बाइक चला रहा है उसके बारे में बताऊं? अच्छा, वो मैं ही हूँ एक्चुअली, वो लड़का। प्राउड ऑफ यू नवाज भाई। ये क्या है? हाँ, शुभम पिंपल, राजीव नाम है, बहुत अच्छा नाम है। इन्होंने लिखा प्राउड ऑफ यू नवाज भाई, टीजर इज अवेसम, थैंक यू वेरी मच। तो सर, हम कुछ फैन क्वेश्चंस लेंगे यहाँ पे। जी हाँ। विवेक ने बोला है कि आप हमेशा ही इतनी हटके मूवीज करते हैं, तो आपको मूवीज ऐसी मिलती है या आप ऐसा ध्यान रखते हैं चूज करते हैं? नहीं, थैंक गॉड, एक तो इंडस्ट्री का बहुत अच्छा वो है, मेरे साथ मुझे सपोर्ट मिलता है कि वो जो भी अलग तरह का कैरेक्टर होता है, सबसे पहले मतलब मुझसे ज़रूर हम लोगों को बात होती है, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं हमेशा कोई एक ही टाइप का, लाइक जैसे एक कोई विलन होता है या हीरो होता है एक ही टाइप में, मैं नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ एक ज़िंदगी मिली, उसमें जितना भी एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ मैं, उतना अच्छा है मेरे लिए। तो लोग इस चीज़ को समझते भी हैं और मैं भी उसी चीज़ को चाहता हूँ, तो इसलिए अलग अलग किरदार करने का मौका मिलता है। हार्दिक ने पूछा है कि आपको नहीं लगता कि आप नॉर्थ इंडियन गैंगस्टर के रोल में टाइपकास्ट हो सकते हैं? अगर आप, मैं गैंगस्टर दो ही किए मैंने, टाइपकास्ट हीरो होता है जो पिछले 35 साल से एक ही तरह का वो करता चला जाता है, टाइपकास्ट वो होते हैं, हम लोग नहीं होते। मैं तो मंटो भी कर रहा हूँ, जो बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान है, बहुत ही लर्नड है, और एट द सेम टाइम एक डांसर का भी रोल कर रहा हूँ मुन्ना माइकल में, और इसमें गैंगस्टर दो ही किए, एक तो ये है और एक इससे पहले किया था गैंग्स ऑफ वासेपुर, दैट्स इट। अब दो फिल्मों में तो आप गैंग टाइपकास्ट कर ही नहीं सकते आप किसी को, टाइपकास्ट हमेशा हीरो होता है। और बहुत सारे लोगों का पूछना है कि क्योंकि इसका टाइटल बाबू मोशाय है, तो क्या ये कैरेक्टर एक बंगाली कैरेक्टर है? जी नहीं, बाबू मोशाय, मोशाय का मतलब होता है मिस्टर, तो और ये आई थिंक, जैसे जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि मोशाय कोई बंगाली वर्ड नहीं, सिर्फ एक फिल्म में आया था बाबू मोशाय, जो काका जी ने बोला था राजेश खन्ना ने बोला कि बाबू मोशाय, तो वो वर्ड है, इसका मतलब होता है मिस्टर, तो वो कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है हमारी फिल्म में कि बंगाली कैरेक्टर है। बहुत सारे लोगों ने अभी से डायलॉग भी बोलना शुरू कर दिया, जो आपका बहुत ही पॉपुलर डायलॉग है, आउटसोर्सिंग फॉर यमराज। तो अगर वो डायलॉग आप अगर बोल के दिखाएंगे फैंस को? वो यही है, उसको बोल रहा है कि हम फ्री में नहीं मारते, पैसा लेके मारते हैं। हाँ, शुरू वाले डायलॉग है, वो पूछते हैं क्या करते हो? आउटसोर्सिंग करते हैं यमराज के लिए, ऐसा है। तो थैंक यू दोस्तों, एक आध कुछ सवाल शायद और है। आप कोई इंटरेस्टिंग मोमेंट्स शेयर करना चाहेंगे शूट के दौरान जो हुआ था? शूट के दौरान तो बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट हुई थी, हम लोगों ने आई थिंक 49 डिग्री टेम्परेचर में शूट की थी ये फिल्म, तो इससे इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है कि सब कुछ चारों तरफ हमारे बिल्कुल आग आग से लगी हुई थी, इतनी गर्मी थी उसमें शूट किया था हमने। कुछ सीन है इसमें जो बहुत ही, हमने आई थिंक इसमें सारे सीजन कवर किए, बरसात में भी शूट किया इसको। हमने अब टीजर में देखा आपका जो कैरेक्टर है बाबू, ही इज वेरी स्टाइलिश, उसमें बहुत स्वैग है, तो आपका कोई इंस्पिरेशन रहा है? मेरा रहा बॉन्ड की फिल्में, मैंने बहुत देखी जेम्स बॉन्ड की फिल्में, तो इस फिल्म के लिए मैंने हमेशा जब भी करता था तो वो मेरे दिमाग में आ जाते थे, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, तो वो वैसा सा बॉडी स्ट्रक्चर लाइक वही रहा है, लाइक डायलॉग बोलने का अंदाज, वॉक का, कैसे बैठता है उठता है, लेकिन उसको अडेप्ट किया उसको देसी वर्जन में। एक्चुअली हमने हमेशा देखा है कि आपके हर एक फिल्म में एक आइकॉनिक डायलॉग होता है, तो आप हमें बता सकते हैं कि बाबू का आइकॉनिक डायलॉग क्या है इस फिल्म में जो सबको याद रह जाएगा? वो ट्रेलर में आएगा एक्चुअली, मैं एक वैसे ही जस्ट बता देता हूँ अभी, जो ट्रेलर में आएगा उसके अभी टीजर में नहीं आया, आई थिंक वो बता नहीं सकते अभी। आपके फैंस डिसअपॉइंट हो जाएंगे। तो मैं ठीक है एक बता दो, पॉपकॉर्न खाए कभी? जानते हो कैसे बनता है? कढ़ाई में जब मकई को भुना जाता है तो बहुत आवाज करता है, जानते हो काहे? काहे कि उसकी फटरी होती है। मेरे ख्याल से बहुत पसंद आया होगा आपको ये डायलॉग।
आई एम श्योर. तब तक वेट करें, ट्रेलर का वेट करें, बहुत जल्दी आने वाला है. अभी फिलहाल